एवरीवन, मैं पाल स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सबसे मही क्लासेस में। ये हमारे एक्टिव एंड पैसिव का पार्ट 5 है। पार्ट 4 में हमने जो असर्टिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इनके एक्टिव से पैसिव के सारे वो कॉन्सेप्ट जो भी थे क्लियर किए थे। इस वाले जो हमारा एक्टिव पैसिव का पार्ट 5 है, इसमें कवर करने वाले हैं कुछ स्पेशल काइंड के जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। जिसमें फर्स्ट रूल हमारा होता है कि यदि किसी, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यदि किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, कोई एक शब्द न होकर पूरी की पूरी कोई क्लॉज हो तो हम उसका पैसिव कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पहले ले लेते हैं, यहाँ पे सेंटेंस है हमारा पीपल से दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है ना। ये हमारे पास सेंटेंस, हमें बनाना इसका पैसिव। पैसिव बॉयस, अब हम इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे, हमें आज तक हमने जो भी पार्ट 4 तक हमने एक चीज क्लियर की थी, सबसे पहले हम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते थे, फिर अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, एमवी की थर्ड फॉर्म लगाते थे, ये हमारी जो भी थी वाई यूज करते थे प्रपोजिशन के तौर पर, और जो हमारा सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्ट बनाते थे। लेकिन यहाँ पे अगर इससे ये फॉर्मूला को देखें तो यहाँ पर मान लीजिए ये है हमारा सब्जेक्ट। पहले हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लियर कर ले रहे हैं, यहाँ पे चीज क्या है, तो ये है हमारी एम बी, यहाँ पे आ गई हमारी दैट, और दैट मीन्स यहाँ पर ये पूरी की पूरी हमारी क्लॉज मिल रही है हमें, ठीक है ना। अब पूरा का पूरा एक नया सेंटेंस क्लॉज क्या है, पूरा का पूरा वाक्यांश, ठीक है ना, पूरा का पूरा ये सेंटेंस है हमारा। अब हम इसका ये ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो रूल हमारा यहाँ पे ये था, जब किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट की जगह, ठीक है ना, एज ए प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट कोई एक शब्द न होकर, ठीक है, पूरा का पूरा कोई हमारी क्लॉज दी हो तो हमें क्या करना चाहिए, हम पैसिव कैसे बनाएंगे। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, रूल वही था जैसे हम करते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग बस इतनी सी हो जाएगी कि यदि ऐसे कोई वाक्य हमारे पास कंडीशन होती है तो हमारा जो सब्जेक्ट दिया होता है, यानी ये वाला सब्जेक्ट, इसकी जगह हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं इट को, ठीक है ना। यानी ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट बनाते थे, हम सब्जेक्ट की जगह इट भी यूज कर देंगे, इट, ठीक है ना। अब देखेंगे हम क्या लगाते थे, हमारे टेंस पहचान के हम लगाते थे अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हम सेंटेंसेस देखेंगे, पहले हमारा क्या है, इधर दे पीपल के बाद कोई हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वही बात आती है कि एमबी की या तो फर्स्ट फॉर्म होगी या सेकेंड फॉर्म, ठीक है ना, क्योंकि दो ही टेंस ऐसे होते हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, ठीक है ना। तो इधर दी है एमबी की फर्स्ट फॉर्म, क्यों, क्योंकि यहाँ दी है से, मीन्स कहना, यानी लोग कहते हैं, क्या कहते हैं देखते हैं आगे क्या कहेंगे, लेकिन फिलहाल तो हमें अपना टेंस देखना है। तो यहाँ पे क्या है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को बोलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस के सेंटेंस में हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। अब इट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ क्या लगाना है, तो यहाँ इट के अकॉर्डिंग हमें लगानी है इज, ठीक है ना। और जहां भी हमारी हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो गई, हमें लगानी है एमबी की थर्ड फॉर्म, एमबी है हमारी से, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी सेड, इट इज सेड। लो हमारा हो गया पूरा का पूरा सेंटेंस, ठीक है ना। बात आती है अभी तो कहां तक इतना पड़ा हुआ है, तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि जैसे लिखा है एज इट ऐसे ही उसे क्लियर लिख दीजिए। यहाँ पे क्या है, दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, हम एक्टिव से पैसिव तो बना लेते हैं, लेकिन कभी ये गौर किया एक्टिव से पैसिव क्यों बनाते हैं। देखो भाई, एक्टिव से हम पैसिव बनाते हैं यानी इसमें हमारे इसमें जो प्रधानता वो होती है, ठीक है ना, वो इम्पोर्टेंस होती है, वो होती है हमारे एक्टिव यानी सब्जेक्ट की, और इसमें होती है ऑब्जेक्ट की, बस इतना ही डिफरेंस होता है, बल्कि बाकी दोनों का जो मीन्स होता है वो एक ही होता है। हमारे देख लेते हैं यहाँ पे सेंटेंस में, पीपल से लोग कहते हैं दैट कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, लोग कहते हैं सूर्य पूरब में निकलता है, ठीक है ना। ये तो हमारा एक्टिव था। अब देखते हैं पैसिव की हिंदी क्या, इट इज सेड, यह कहा जाता है दैट कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, कि सूर्य कहाँ निकलता है हमारा, पूरब में निकलता है, ठीक है ना। उसमें था लोग कहते हैं सूर्य पूरब में निकलता है, इसमें है कि यह कहा जाता है कि सूर्य पूरब में निकलता है, तो भाई यहाँ पीपल नहीं है, लेकिन फिर भी उसी की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि लोग कहते हैं, कौन कहता है भाई, अब इंसान ही कहेंगे, लोग ही कहेंगे, जानवर तो कहेंगे नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सेंटेंस दोनों का मीन्स वही है, बस थोड़ी सी उनकी वॉइस चेंज हो गई है। अगर अगला सेंटेंस देख लेते हैं,
they said that the king is coming here. ठीक है ना, हमें इसका भी बनाना है पैसे, हमारे ये एक्टिव सेंटेंस है, इसका हमें बनाना है. दे सेड, वे कहते थे, ठीक है ना, दैट या उन्होंने कहा कि क्या कहा उन्होंने, द किंग इज कमिंग हियर, राजा यहाँ आ रहा है, आ रहे हैं, ठीक है ना. तो वही चीज है हमारी, यहाँ पे ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारी क्या एम बी, इधर ये तो वाक्यांश पूरा बचा हुआ है, ठीक है ना, ये तुम्हारी पूरी की पूरी क्लोज है ही है. अब बात आती है ये इसे कैसे करें, तो बिल्कुल सेम उसी की तरह हो जाएगा. यहाँ भी क्या है, सेंटेंस में पूरी क्लोज, ये कोई एक शब्द ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, जब कोई एक्चुअल में एक शब्द नहीं होता ऑब्जेक्ट के लिए तो हम क्या करते हैं, वहां सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता, मानते हैं इट, ठीक है ना. अब सेंटेंस को देखेंगे, या वर्ब कौन सी हमारी सेकंड फॉर्म है, यानी ये टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट, और जहाँ पास्ट इंडेफिनिट होता है उसे चेंज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है ना. तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए इसके साथ हो जाएगा वॉज, क्योंकि ये है सिंगुलर, तो इसके साथ वॉज आएगी, ठीक है. अब क्लियर क्या है, इसकी लगानी है थर्ड फॉर्म सेड, इसकी सेकेंड और थर्ड एक ही होती है सेड, बाकी जो भी है क्लियर एज इट वैसे ही राइट कर दो यहाँ पे. The king is coming here. मैं बस थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, बाकी हमें कोई सी चेंज बिल्कुल भी, पीछे का जैसा सेंटेंस है. वो कहते हैं ना कि सेंटेंस बड़ा देख लिया हमें लगता है बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन एक चीज हमने आज तक वही नोटिस की, जितनी भी बड़ी हमें चीज दिखाई देती है, जितनी भी बड़ी हमें प्रॉब्लम दिखाई देती है, वो एक्चुअल में उतनी ही सिंपल होती है, ठीक है. ये तो था हमारा फर्स्ट रूल, जो कुछ स्पेशल टाइप के सेंटेंसेस का था. अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ. नेक्स्ट रूल करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी. आप लोगों के लाइक करने से हमें पता चलता है कि हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं एक्चुअल में वो सक्सेस है भी या नहीं है, ठीक है ना. और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वाली जो भी नेक्स्ट वीडियो है तो मैं तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे. सेकेंड हमारा रूल यहाँ पे है कि यदि किसी सब्जेक्ट के साथ में, यदि किसी सेंटेंस में हमारे वी की फॉर्म दी हो, वी की फॉर्म मीन्स यहाँ पे देख लेते हैं हम, यहाँ पे वही थी, इज एम आर वॉज वर, ठीक है ना. यदि किसी सेंटेंस में हमारे वी की फॉर्म दी हो प्लस टू प्लस एम बी, ठीक है ना, मेन वर्ब दी हो, ठीक है, तो हमें इस कंडीशन में हमें क्या करना है, ठीक है ना. तो इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं, पहले इसने क्या कहा है, ही इज टू हेल्प मी, ठीक है ना, ही इज टू हेल्प मी. तो यहाँ पे देखते हैं हमें हमारी इज भी मिल गई. अभी इज वो वाली सेंटेंस वाली नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली, क्योंकि अगर वो वाली होती तो यहाँ पे एम बी इसके जस्ट एम बी दी होती, एम बी में आई एन जी फॉर्म होती. अब यहाँ पर आई एन जी फॉर्म दी, इसका मतलब ये इज टू वाला यूज है, ठीक है ना, बी टू वाला. हमें यहाँ पे क्या मिला है, इज मिल गई हमें बी की फॉर्म में, इज, ठीक है ना, टू मिल गया हेल्प, यानी ये भी क्या है एम बी, तो हमें पूरा का पूरा जो हमारे रोल में दिया हुआ था वो मिल गया. अब हमें इसका सेंटेंसेस क्या करना है, ठीक है ना. तो वही चीज है, अब इसका हम पैसिव कैसे बनाएं, तो वही हम करते क्या थे कि हम सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट था उसे बनाते थे सब्जेक्ट, ठीक है. तो हमें भी यहाँ क्या करना है मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई, ठीक है ना. अब हमें क्या करना है, बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं, हमने एक चीज यहाँ से ऊपर से नीचे तक क्लियर करें, या फिर हमने फर्स्ट वीडियो से यहाँ लास्ट तक जो है फाइव चल रही है, इस तक हमने एक चीज नोटिस की है, जहाँ हमारे एज एम आर वॉज वर आए हैं उस टेंस में हमने परिवर्तन नहीं किया है, ठीक है ना. तो यहाँ भी हमें परिवर्तन नहीं करना है, बस सब्जेक्ट के अनुसार हमें अपनी जो भी है हेल्पिंग वर्ड चेंज कर देनी है. यहाँ पे ही के साथ अनुसार इज थी, तो आई के अनुसार हो जाएगी ए, ठीक है ना, टू की जगह टू. अब क्या करना है, तो इससे एक्टिव से जब पैसे बनाया तो हल्की सी चेंजिंग करनी थी, वो हल्की सी चेंजिंग ये है कि इस सेंटेंस में हमें जोड़ना होता है बी, या फिर ये कहें टू के साथ में जुड़ जाता है बी, और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है के बाद में जो हम लगाते हैं मेन वर्ब उसमें लगती है थर्ड फॉर्म,
ठीक है ना। अब थर्ड फॉर्म हर पैसे में बनती है, तो बस चेंजिंग हमारी इतनी ही थी, बी लगानी है ठीक है ना। अब वैसे कि जो हम करते थे बाई, इसका क्या है ही, इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट हिम, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड एग्जाम्पल, देख लेते हैं, मान लीजिए इसी का देख लें। आई वॉज टू हेल्प हिम, आई वॉज टू हेल्प हिम, ठीक है ना। वहां उसने मेरी सहायता की, यहां मैं उसकी कर दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे अब चीज क्या है, I was to help him, हमारे पास ये sentences है ठीक है ना। was मिल गई हमें, to मिल गया, to के साथ में हमारी मिल गई हमें MB। अब हमें क्या करना है, तो वही करते हैं, पहले सबसे पहले subject को object, object का subject वही जो हमारी क्रिया होती है पूरी की पूरी दोहराएंगे। he का और subject हो जाएगा him का, sorry him का subject हो जाएगा he, ठीक है ना। अब यहाँ पर I के अनुसार was थी, तो भाई हमें भी इसके he के अनुसार भी हमारी was ही होगी, हमने ये भी क्लियर कर दी। टू के नीचे हमें क्या लिखना है, टू लिखना है। इसके हेल्प के नीचे हेल्प ही लिखनी है। अब क्या जोड़ देनी है, ये, ठीक है ना। अब क्या करना है यहाँ पे, अब बस इतनी से स्पेस छोड़ दिया। स्पेस क्यों छोड़ा है, स्पेस इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ पर बस चेंजिंग वही थी कि यहाँ पर टू के बाद हमें पैसे में जोड़ना होता है बी, बस यही चेंजिंग होती है ठीक है ना। और बाकी वही वाले फॉर्म जो हमारे ट्रेडिशनल रूल होता है वही चलना है यहाँ पे। बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा आई है, तो आई का ऑब्जेक्ट होगा मी, ठीक है ना। तो ये था हमारा, इसका आई वॉज टू हेल्प हिम, इसका हो जाएगा ही वॉज टू बी हेल्प्ड बाई मी, ठीक है ना। अब थर्ड रूल है इसका, जो थर्ड रूल है वो भी बिल्कुल सेकंड रूल के जितना बिल्कुल सेम है और कुछ भी उसमें चेंजिंग नहीं है थर्ड रूल में, बस इतना है यदि किसी वाक्य में हैव की फॉर्म दी हो। हैव की फॉर्म कौन कौन सी होती है, एक तो होती है हैज, हैव, हैज और हैड, ये हो प्लस इनके साथ में क्या जुड़ा हो टू और प्लस दी हो एम बी की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो कुछ भी दिया हो, अगर ये कंडीशन होती है तो हमें सेंटेंस में क्या करना है, तो इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। जो हमने सेकंड रूल में किया था बी की फॉर्म के साथ किया था वो भी हमें हैव की फॉर्म के साथ करना है। यहाँ पे देखो हैज, हैव, हैड, इसके साथ में टू भी दिया हुआ है ठीक है ना। जिसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, पहले वी हैव टू हेल्प, भाई ये हेल्प के वाले एग्जाम्पल में ज्यादा ले रही हूँ क्योंकि मुझे ना एक्चुअल में हेल्प शब्द ही बहुत सारा अच्छा लगता है, क्योंकि इससे करके ना दूसरों को बहुत ही हैप्पी वाली फीलिंग आती है ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं वी हैव टू हेल्प हिम, अब हमें इसमें क्या करना है, तो वही चीज हैव टू वाला यूज हमें मिल गया, इज टू हैव, वो आर टू ठीक है ना, एम टू, अब यहाँ पर मिल गया हमें हैव टू, तो वही चीज है बस हमें क्या लगाना था। तो इधर देखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम का हो जाएगा ही ठीक है ना। अब हमें इसमें क्या करना है, हैज हैव हैड की जगह, तो यहाँ पे देखते हैं अगर दिया हुआ है हैव ठीक है ना, तो ये प्रेजेंट वाले का है, तो अगर हैव दिया हुआ है तो इसके साथ में एक तो ये अब हैव है तो इसके अनुसार हैव था, लेकिन ही है ये तो सिंगुलर है ना, तो इसके साथ सिंगुलर के साथ हो जाएगा हैज ठीक है ना। टू की जगह टू, देखो हम एज इट वर्ब को वैसे के वैसे करते जा रहे हैं, हमें सब्जेक्ट था तो हमने सब्जेक्ट लगा दिया, हमारी वर्ब थी हमने वर्ब लगा दी, टू था हमने टू लगा दिया ठीक है ना। अब हेल्प वर्ब दी हुई है, वो मैम भी दी हुई है, इसकी भी हमें थर्ड फॉर्म लगा देनी है हेल्प ठीक है ना। बाय तो हम लगाते ही है शुरू से ही, सभी टेंसेस में करते हैं, बाय लगा दिया। वी का हो जाएगा अस, अब जो नई चेंजिंग है इसमें वो क्या करनी थी एक्चुअल में, इसका रूल क्या था, तो इसमें कुछ नहीं करना है, वही थी हमारी हमें लगा देनी है बी। तो ये थे ये वाले रूल ठीक है ना। यहाँ पे वी हैव टू हेल्प हिम, ही हैज टू बी हेल्प्ड बाय हिम, बिल्कुल क्लियर तरीके से। इससे कितने भी एग्जांपल, वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाए इसलिए मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं दे रही हूँ, लेकिन आप लोग एक्सरसाइज से कर सकते हो ठीक है ना। अब अगला हम देखते हैं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड एग्जाम में तो बहुत बार ये सेंटेंस आ चुका है, इस बार भी आया था ठीक है ना। इस वाले सेंटेंस का देखते हैं, यदि कोई वाक्य इट इज टाइम से प्रारंभ हो, यदि कोई वाक्य इट इज टाइम टू से प्रारंभ हो, स्टार्ट हो, तो हमें उसका पैसे कैसे बनाना है ठीक है ना।
तो हमें कुछ नहीं करना है. सबसे पहले हम क्या करते थे, हमें जैसे मान लीजिए हम पहले एग्जांपल एक ले लेते हैं. इट इज टाइम टू क्लोज द स्टोव. एक हमारे पास सेंटेंस है, मान लीजिए दूसरा सेंटेंस भी ले लेते हैं. इट इज टाइम टू वॉश योर क्लोथ्स, ठीक है ना. इसका हिंदी मीन्स क्या है, इट इज टाइम, यह समय है टू क्लोज, बंद करने का द सोप यानी दुकान, यह दुकान बंद करने का समय है. इट इज टाइम टू वॉश योर क्लोथ्स, यह तुम्हारे कपड़े धोने का समय है, ठीक है ना. अब इसका हमें पैसे कैसे बनाना है, तो वही देखो हमें चीज क्या मिली यहाँ पे देखते हैं. पूरा का पूरा जो हमारे रूल में दिया हुआ था इट इज टाइम, यहाँ भी हमने देख लिया इट इज टाइम. तो यदि कोई वाक्य इट इज टाइम से प्रारंभ होता है तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जैसे कि इट इज टाइम लिखा हम वैसे वैसे उसे लिख देंगे. इट इज टाइम, जो हमारा टू दिया हुआ है टू की जगह हम लिख देंगे क्या हमारे फोर, टू की जगह हमें यूज करना है फोर, ठीक है ना. अब क्या करना है, हमें लगाना हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है. ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब है. अब ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, तो जहां हमारी वर्ब मिलेगी, वर्ब कहाँ मिलेगी हमें टू के जस्ट आफ्टर मिलेगी, तो ये है हमारी वर्ब यानी एम बी है, एम बी के बाद दिया हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना. तो ऑब्जेक्ट लेके आएंगे द सोप, ठीक है ना. अब हमें क्या करना है, हमें लगाना है टू बी. अब लगानी है थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म जहाँ लगानी है वो तो बार बार बताने की जरूरत ही नहीं है. अगर एक्टिव से पैसे बना रहे हैं तो हर पैसे में चाहे कैसा भी हो किसी भी प्रकार के सेंटेंस का थर्ड फॉर्म तो लगनी ही है, ठीक है ना. अब इसे करो, ये वाला मैंने कर दिया, इसे अपने आप करने की कोशिश करो, देखते हैं कैसे करेंगे. तो यहाँ फिर वही करेंगे, इट इज टाइम, ठीक है ना. हमें क्या लगाना फोर, ये अपनी तरफ से लगाना है, ठीक है ना. हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, योर क्लोथ्स. फिर क्या लगाना है, टू बी वॉश, थर्ड फॉर्म इसकी हो जाएगी वॉश्ड. अब इसका रूल क्या है, सब लोग करवाते हैं पहले रूल उसके बाद एग्जांपल लेके. मैं थोड़ा सा उल्टा चल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे एग्जांपल के तरीके से जो भी है जल्दी से समझ में आ जाता है, और मुझे लगता है समझाने में भी ये बहुत ज्यादा ईजी होता है, ठीक है ना. तो सबसे पहले अब इसका रूल देख लेते हैं, इसमें चेंजिंग क्या थी, इससे रूल निकल के क्या आता है. मैं यह रूल सबसे पहले क्यों नहीं करवाती, क्योंकि उसका रीजन ये होता है कि बच्चे एग्जांपल के जरिए से खुद रूल बनाने की कोशिश करें. क्योंकि अगर पहले रूल करवा देते हैं तो फिर उसे बच्चे रटने लगते हैं, और जो रटने वाली चीजें होती है एक ना एक दिन भूल ही जाते हैं, वो तो नेचर की प्रक्रिया है. इसलिए मैं रटवाती नहीं हूँ यहाँ पर, अब खुद रूल बनाओ इसमें, ठीक है ना. तो हमारा रूल क्या था, हमने हमारी जो चेंजिंग हुई वो कितनी सी थी, तो बिल्कुल भी चेंजिंग. सबसे पहले हमें क्या करना था, इट इज टाइम दिया था हमने, इट इज टाइम लगा दिया, ठीक है ना. इट इज टाइम, ठीक है. अब बाकी हमारा टू तो दिया ही होता है, तो हमें यहाँ क्या लगाना है, टू के जब हमने लगाया था फोर, फिर था हमारा प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस टू बी, एम बी की थर्ड फॉर्म, प्लस अदर वर्ड, प्लस प्रेस्ट हो गया. बाकी में कोई अदर वर्ड भी दिया हुआ है तो उसे लगा दीजिए. तो गाइस ये तो हमारे एक्टिव पैसिव के रूल जो कुछ प्रकार के, ठीक है ना. तो आज मेरी तरफ से ये जो भी जितने भी थे हमारे एक्टिव से पैसे बनाने के नियम थे वो सारे के सारे मैंने सोच चुके हैं, ठीक है ना. आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं. धन्यवाद.